कुलचे तो सिर्फ छोले के साथ ही अच्छे लगते हैं, ऐसा कहने वाले लोगों के मुंह पे तमाचा मारे भैया ने न्यूट्री के साथ कुलचे खिला के, वो भी इतने स्वादिष्ट की उंगली चाटते रह जाओगे। और जो लोग बोलते ना वेज खाने में वैरायटी नहीं होती, ये वीडियो उनके मुंह पे फेंक के मारो। तो फिर चलिए मेरे साथ आपको दिखाते सबसे स्वादिष्ट न्यूट्री कुलचा कैसे तैयार करा जाता है, और साथ ही जानेंगे अगर आपको इसका आनंद लेना है तो कहाँ आना होगा। तो न्यूट्री कुलचा बनाने के लिए यहाँ पे सुबह 7 बजे सबसे पहले न्यूट्री बना के तैयार की जाती है, जिसके लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर डाला जाता है ढेर सारा पानी, और जैसे ही पानी थोड़ा सा उबलना शुरू हो जाता है इसमें डाल जाती है ढेर सारी न्यूट्री। न्यूट्री को डालने के बाद भगवान को याद करके न्यूट्री के उबलने का इंतजार करा जाता है, और जैसे ही यहाँ पे न्यूट्री फूलनी शुरू हो जाती है इसको निकाल के रख लिया जाता है एक बड़े से पतीले के अंदर। ये जो पतीला होता है इसमें थोड़े से छेद हुए होते हैं, मतलब ये एक तरीके की चलनी होती है। तो इस चलनी में सारी की सारी न्यूट्री को निकालने के बाद एक छोटी चलनी की मदद से इसमें जितना भी बचा कुचा पानी होता है उसे निकाल के अलग कर लिया जाता है, और जितनी भी न्यूट्री होती है उसे मसलने का कार्यक्रम शुरू करा जाता है, जिसके लिए यहाँ पे कलछी की मदद ली जाती है। कलछी की मदद से सबसे पहले न्यूट्री को अच्छे से फैलाया जाता है, उसके बाद इसे दबा दबा के इसको अच्छे से तोड़ के छोटा छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है। और जैसे ही हमारी न्यूट्री अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट के तैयार हो जाती है, दूसरी ओर यहाँ पे ली जाती है हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, इनको मशीन के अंदर पानी के साथ डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। और इसके बाद बारी आती है प्याज की, जिसको पहले से छील के तैयार करके रखा गया था, इसको भी मशीन में डाल के इसका भी पेस्ट जो है वो बना के तैयार कर लिया जाता है। साथ ही साथ अब बारी आती है टमाटर की, तो टमाटर को भी अच्छे से धो के साफ करके यहाँ पे रखा गया था, अब इनको भी मशीन के अंदर डाल के इसका भी पेस्ट निकाल के तैयार कर लिया जाएगा। भाई हमारी सारी चीज़ें बन के तैयार हो जाती है, तो अब तैयार करा जाएगा न्यूट्री का मसाला, जिसके लिए कढ़ाई के अंदर सबसे पहले डाला जाता है ढेर सारा तेल, तेल के साथ साथ इसमें डाला जाता है थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद ये जो हरी मिर्ची और प्याज का पेस्ट तैयार करके रखा गया था इसको डाल दिया जाता है कढ़ाई के अंदर। अब इस पेस्ट को बहुत अच्छे से भूना जाएगा जब तक ये थोड़ा थोड़ा सुनहरा होना शुरू ना हो जाए, इसे भूनने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दिया जाएगा। और जैसे ही भून के तैयार हो जाएगा इसके अंदर डाल जाएंगे ढेर सारे टमाटर का पेस्ट जो कि तैयार करके रखा गया था। अब इन सारी चीज़ों को 20 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से भूना जाएगा जब तक टमाटर अच्छे से भून के तैयार ना हो जाए। और जैसे ही टमाटर जो है वो अच्छे से भून के तैयार हो जाएंगे इसमें डाल दिया जाएगा पालक का पेस्ट। भाई पालक के पेस्ट से ना न्यूट्री कुलचा में अलग ही स्वाद निकल के आता है, इसीलिए यहाँ पर पालक के पेस्ट का इस्तेमाल करा जाता है। पालक के इसको डालने के बाद इन सारी चीज़ों को दोबारा से भुनने के लिए 10 मिनट तक छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ली जाएगी काली मिर्ची और गरम मसाला, यहाँ पे किसी भी प्रकार की लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करा जाता। अब इन दोनों मसालों को इसमें डाल दिया जाएगा, साथ ही साथ इनका न्यूट्री स्पेशल मसाला भी इसके अंदर डाला जाएगा जो कि मटन का मसाला रहता है। इस मसाले को डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाया जाएगा, और जैसे ही हमारे न्यूट्री का मसाला पक के तैयार हो जाएगा इसमें जो हमने न्यूट्री रखी थी तैयार करके उसको इसके अंदर डाल दिया जाएगा। न्यूट्री को अब इसके अंदर 20 मिनट तक और पकाया जाएगा ताकि जितना भी मसाला है वो न्यूट्री के अंदर तक समा सके। और जैसे जितना भी मसाला है वो थोड़ा थोड़ा न्यूट्री के अंदर जाना शुरू हो जाएगा इसमें डाल जाएगी साबुत हरी मिर्च ताकि जो स्वाद है ना उसमें चार चांद लगाया जा सके। और जैसे हमारी न्यूट्री बन के तैयार हो जाएगी इसको बड़े बड़े कनस्तरों में निकाल के ले जाया जाएगा दुकान की ओर। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पूरे दिन में 3 से 4 बार न्यूट्री का मसाला ऐसे ही बना के तैयार करा जाता है, इनकी न्यूट्री का स्वाद जो है ना बहुत ही गजब निकल के आता है, तो आप भी इसे जाके ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हमें न्यूट्री तो बन के तैयार हो चुकी है, अब तैयार कराते हैं इनके स्पेशल कुलचे। कुलचे से पहले दुकान के अंदर सबसे पहले एक बड़ा सा तवा रखा जाता है भट्टी के ऊपर, जिसमें डाला जाता है गार्लिक बटर और थोड़ी सी प्याज, लच्छेदार प्याज डाल के थोड़ा सा धनिया डाल के उसे थोड़ा सा भूना जाता है, और उसके बाद जो न्यूट्री तैयार करके लाई गई थी उसको डाल दिया जाता है इस तवे के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं गर्मा गर्म जो न्यूट्री है भैया वो देखने से इतनी सुंदर लग रही है, और क्या खुशबू आ रही है मैं आपको क्या ही बताऊँ। बटर के ऊपर सारी की सारी न्यूट्री डालने के बाद बारी आती है इसे सजाने की, तो सजाने के लिए सबसे पहले धनिया डाला जाता है ढेर सारा, उसके बाद लच्छेदार प्याज डाली जाती है, और प्याज के बाद बारी आगे बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची की, तो यहाँ पे थोड़ी सी शिमला मिर्ची से भी सजाया जाता है। उसके बाद ये जो बारीक कटी हुई गाजर होती है ना वो भी इसके ऊपर सुंदर तरीके से सजा के इसे तैयार कर लिया जाता है। न्यूट्री तो हो चुके तैयार, अब तैयार कराते हैं इनके स्पेशल 3 लेयर कुलचे। तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा तवे के ऊपर डाला गया गार्लिक बटर, और ये आ गया भाई कुलचा जिसपे सबसे पहले लगाया जाएगा न्यूट्री का मसाला। मसाला लगा के कुलचे को सेका जाएगा बटर के ऊपर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, इसमें बटर के साथ कुलचे को सेका जाता है। उसके बाद बारी आ गई चीज़ की, तो पहली लेयर जो रहने वाली है चीज़ की, तो यहाँ पे ढेर सारी चीज़ डाली गई है, साथ से ऊपर से थोड़ी सी सीजनिंग आ चुकी है। अब इसे दूसरे कुलचा जो कि पहले से सेक के रखा गया था उससे बंद करके इसे दोबारा से सेका जाएगा, और यहाँ पर लिया जाएगा एक और मसालेदार सेका हुआ कुलचा जिसके ऊपर डाला जाएगा ढेर सारा पनीर जिसको स्मैश करके रखा गया था। पनीर के ऊपर मसाला लगा के अब जो दो कुलचे सेके गए थे उसको इसके ऊपर डाल दिया जाएगा, इन तीनों कुलचों को दोबारा से सेका जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी चीज़ बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, पनीर हमारा पक चुका है, और कुलचा भैया देखने में इतना लाजवाब
लग रहा है और अब तो मेरे से इंतज़ार ही नहीं हो रहा, तो लगवाते हैं अपनी थाली। ये आ गए हमारे कुलचे और साथ ही साथ ये आ गए हमारी न्यूट्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसे और खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ी सी डाली जाएगी इसके ऊपर अमूल क्रीम, और ये आ गए भी हमारी हरी मिर्ची और थोड़ा सा नींबू। अब लेते हैं इसका जायका। तो अब मेरा ये ट्रिपल लेयर कुलचा आ चुका है न्यूट्री के साथ, अब से टेस्ट करके बताते हैं आप लोगों को। देख सकते हैं आप पूरी तीन लेयर इसमें आपको दिख जाएगी, और मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा है तो जल्दी से करते हैं टेस्ट। कुलचा बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है, न्यूट्री का बहुत बढ़िया स्वाद आ रहा है, तो आप भी इसे जरूर टेस्ट कर सकते हैं। आप चलते हैं यहाँ की लोकेशन क्या पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे किसी को आना हो तो शॉप का एड्रेस और नाम क्या पड़ता है? शॉप का नाम भी है यहाँ पे द सेकंड वाइज स्पेशल न्यूट्री कुलचा, लाल क्वार्टर मार्केट में है ये। सर किसी को कॉन्टेक्ट करना हो तो? कॉन्टेक्ट करना हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 7805007007। ओके सर, थैंक यू। ओके।